हेलो फ्रेंड्स, प्रियंका कुकिंग सीक्रेट में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पनीर टिक्का मसाला सैंडविच, तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। मैंने यहाँ सब्जी में सिर्फ कैप्सिकम और प्याज लिए हैं। आप चाहो तो और भी सारी वेजी डाल सकते हो, और सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अच्छे से मैंने इंग्रेडिएंट का माप दिखाया है। 50 ग्राम जितना पनीर कटा हुआ, एक ऑनियन और एक कैप्सिकम मैंने कटी हुई ली है। 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी मैंने ओरेगानो ली है, जिंजर गार्लिक पेस्ट, साथ में मैंने चाट मसाला, गरम मसाला, रेड चिली पाउडर और हल्दी, धनिया और जीरे का पाउडर, कसूरी मेथी सब के सब मैंने 1/4 टीस्पून ली है, और साथ में मैंने नमक 1/2 टीस्पून लिया है। यहाँ मैंने 2 टीस्पून जितना मस्टर्ड ऑयल लिया है, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इस तरह से धुआं निकल जाए तब तक हमें गर्म करना है, जिससे ऑयल का कच्चापन ना आए। इसमें से धुआं निकलना बंद हो तब यूज़ करेंगे। सारे मसाले एक बोल में ले लेते हैं। इसमें अब गरम ऑयल डाल देते हैं, अच्छे से मिक्स कर देंगे। साथ में मेरे वीडियो को लाइक भी करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहना। अब हम 2 टीस्पून बंधा हुआ दही, यानी कि पानी निकला हुआ दही यूज़ करेंगे। आपके पास वो ना हो तो थोड़ा सा बेसन यूज़ कर सकते हो। 1/2 टीस्पून नमक डाल के मिला लूँगी। अब कैप्सिकम और अनियन डाल के मिक्स कर लूँगी। बाद में हम पनीर डालेंगे। पनीर डालकर भी मिक्स करके मायोनीज डाल देंगे। अब हमारा मसाला बनके रेडी हो गया है। अब ब्रेड पर हम ग्रीन चटनी लगा देंगे। ये चटनी हम नॉर्मल घर पे यूज़ करते हैं, वही दही वाली ग्रीन चटनी है। इसमें मैंने थोड़े से भुने हुए चने भी डाले हैं, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। दूसरे ब्रेड पर भी इस तरह से लगा देंगे। ब्रेड के ऊपर बना हुआ मसाला डाल देंगे। अच्छा खासा हमें भरना है, जिससे टेस्ट अच्छा आएगा, और चीज़ भी बहुत सारा डाल देंगे। अब ऊपर स्लाइस और रख कर बहुत सारा बटर लगा देंगे। आप चाहो तो ऑयल में भी बना सकते हो, लेकिन बटर में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब बटर वाला पार्ट नीचे रख कर ऊपर वापस से बटर लगा देंगे। अब ग्रीन लाइट हो तब तक वेट कर लेंगे, और आप तवे पर भी बना सकते हो, टोस्टर ना हो या सैंडविच मेकर ना हो तो। अब खोल कर देख लेते हैं, हमारी सैंडविच बहुत अच्छी बनी है। अब कट कर लेते हैं, कितनी यम्मी लग रही है। मुझे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा। आप घर पे ज़रूर बनाना, और अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना और रिव्यू ज़रूर देना। डिशेस की रेसिपी जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।